हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल सिविल साइनाइड में, जिसमें हम आपसे हमेशा डिस्कस करते हैं नए और मॉडर्न हाउस प्लान के बारे में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 30 बाई 47 फुट का एक हाउस प्लान, जो कि आप ही में से एक सब्सक्राइबर की रिक्वायरमेंट पर बनाया गया है। इस प्लान में आपको मिलते हैं 3 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम, 2 अटैच टॉयलेट, 1 कॉमन टॉयलेट, किचन, कार पार्किंग के लिए बहुत सारा स्पेस और चारों तरफ से ओपन मिलता है। ये प्लान मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, वर्किंग प्लान भी है इसमें, और आपके समझने के लिए, देखने के लिए हमने इसमें ब्लॉक्स वगैरह रख कर भी दिखाया है, ताकि आपको इजीली समझ आए कि आपको कितना स्पेस कहाँ पर यूटिलाइज करने को मिलता है। बट उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सिविल साइनाइड। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह के नए बेहतरीन और मॉडर्न हाउस प्लान की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके सामने ये दोनों प्लान हैं। एक में इसमें हमने ब्लॉक्स रखे हैं ताकि आपको पता लगे कि कितना आपको इसमें स्पेस मिलता है। दूसरा, हमने डायमेंशन का प्लान अलग बनाया है। आप देख सकते हैं इसमें पार्किंग के लिए स्पेस दिया है। 13 बाई 14 फुट का ये कार पार्किंग स्पेस है बाहर तक बिल्कुल। हमने साइड में इसमें ओपन दिया है 2.5 फुट आगे, 2.5 फुट पीछे, और साइड में इस तरफ राइट साइड में 2 फुट दिया है। नॉर्थ फेसिंग प्लान है दोस्तों। ड्राइंग रूम की एक एंट्री हमने यहाँ से दी है पार्किंग में से, मतलब मेन एंट्री आपकी यहीं से है। यहाँ से आप डाइनिंग या ड्राइंग रूम में आते हैं और उसके बाद ही आप घर में एंटर कर सकते हैं। सीढ़ियों की एंट्री बाहर से बाहर रखी गई है, इन केस अगर आप फर्स्ट फ्लोर बनाते हैं या किसी और पर्पज़ के लिए ऊपर वाला फ्लोर यूज़ करते हैं या सेपरेट फैमिली ऊपर रहते हैं तो उनको भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा घर के अंदर से छत पे जाने में, और आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं 13 फुट 7.5 इंच बाई 10 फुट 3 इंच का ये आपका डाइनिंग और ड्राइंग रूम है। आप देख सकते हैं इसमें हमने सोफा वगैरह लगा रखा है, कितना ज़्यादा स्पेस ही बचता है। साइड में ये कबर्ड फैंसी, उसके लिए कबर्ड लगा रखा है, अलमारी, अगर आप इसमें कुछ रखना चाहें तो आप बना सकते हैं इसको। दोस्तों, स्टेयर केस बाहर है तो हम इसको ही देख लेते हैं पहले। स्टेयर केस यहाँ पर आपका 6 फुट 1.5 इंच वाइड है। अब यहाँ से आप आएंगे और ऊपर वाले फ्लोर पर आ जाएंगे, और ऊपर वाले फ्लोर पर भी एंट्री आपकी इसी तरह से होगी ड्राइंग रूम के थ्रू। लॉबी में आते हैं दोस्तों। यहाँ पर लॉबी से ही किचन की एंट्री है। 6 फुट 1.5 इंच बाई 8 फुट का ये किचन मिल रहा है आपको बड़ा सा, और इसके वेंटिलेशन के लिए हमने साइड में ओपन दिया है, विंडो लगाई है W1, आप देख सकते हैं। यहाँ पर किचन भी आपका काफ़ी बड़ा है यूटिलिटी के लिए, उसके बाद भी आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी जगह मिल रही है आपको। इसमें किचन के ही बगल में 2.5 फुट का एक स्पेस है जिसमें हमने वॉश बेसिन लगाया है, क्योंकि टॉयलेट की एंट्री इधर से ही है। दोस्तों, टॉयलेट और किचन की एंट्री आमने सामने से नहीं है, आप देख सकते हैं किचन की एंट्री थोड़ी बाहर से है और टॉयलेट आपका बिल्कुल थोड़ा कोने में से है। अगर आप चाहें तो इस टॉयलेट की एंट्री यहाँ से दे सकते हैं, अगर आपको लगता है किचन के सामने आ रही है तो आप यहाँ से एंट्री बंद करके टॉयलेट की एंट्री यहाँ से दे सकते हैं। 7.5 बाई 7 का एक बड़ा सा आपको टॉयलेट मिल रहा है, लैट्रिन बाथरूम इसमें अटैच है बिल्कुल, कम्बाइंड है, तो काफ़ी बड़ा टॉयलेट है। और इसके एग्जॉस्ट के लिए इस ओपन में इसका वेंटिलेटर लगाया गया है, तो ये बहुत ही बड़ा और अच्छा टॉयलेट है। पीछे 3 बेडरूम हैं, देखते हैं सामने वाला बेडरूम जो है 10 बाई 10 का एक बेडरूम है। बेड लगा रखा है इसमें, कबर्ड है जहाँ पर भी काफ़ी स्पेस है, अगर आप टीवी वगैरह लगाएं तो भी ये 10 बाई 10 का एक बेडरूम आपको सफिशियंट साइज का मिल रहा है। साथ में इसका टॉयलेट अटैच किया गया है इसके साथ, देख सकते हैं आप WC लिखा है यहाँ। 5 बाई 6 का एक टॉयलेट अटैच किया गया है जिसमें हमने एक एंट्री इसकी बाहर से दिखाई है, इन केस अगर कोई गेस्ट आते हैं आपके तो बाहर से भी इस टॉयलेट को आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप परमानेंट डोर को बंद भी रख सकते हैं, कभी कभी यूज़ करने के लिए होगा, कभी गैस वगैरह आए या कभी इमरजेंसी टाइप में यूज़ करने के लिए आप उसको उधर से ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, पीछे वाले बेडरूम की तरफ आते हैं। 10 बाई 12 फुट का ये बेडरूम है, इसकी एंट्री लॉबी से ही है, और इसके साथ भी हमने एक टॉयलेट को अटैच किया है। 5 बाई 5.5 फुट का एक टॉयलेट अटैच किया गया है, ये भी काफ़ी सफिशियंट साइज़ का, काफ़ी बड़ा साइज़ का बेडरूम है। डबल बेड लगा है आप देख सकते हैं, इसमें कबर्ड भी लगाई गई है। इसी के ही बराबर में एक बेडरूम और है, 10.5 बाई 12 फुट का ये बेडरूम है। इस बेडरूम में बेड लगा है लेकिन इसके साथ कोई टॉयलेट अटैच नहीं है, तो मतलब आप लॉबी वाला टॉयलेट यूज़ कर सकते हैं जो कॉमन टॉयलेट हमने बनाया है। इन सब बेडरूम्स टॉयलेट के लिए, वेंटिलेशन के लिए आप देख सकते हैं हमने पीछे सेटबैक छोड़ा है, साइड में भी सेटबैक छोड़ा है, तो 2.5 फुट साइड में छोड़ा है हमने, 2.5 फुट पीछे छोड़ा है, तो इनकी विंडोज़ वगैरह जो पीछे लगी हैं अगर आप चाहें तो इनमें से किसी एक बेडरूम से पीछे एंट्री दे सकते हैं ओपन में जाने के लिए। दोस्तों, आगे आते हैं, कार पार्किंग आप देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि मैंने आपको बताया था 13 बाई 14 फुट की एक कार पार्किंग है, तो साइड में आप देखा कि जाने के लिए स्पेस ही बचता है और डाइनिंग एरिया में आने के लिए भी स्पेस बचता है। फ्रंट में हमने 3.5 फुट प्लस
4.5 इंच की दीवार, तो लगभग 4 फुट हमने फ्रंट में छोड़ के बनाया है। आप इसमें थोड़ा फ्लावर वगैरह के अगर शौकीन है तो गमले वगैरह लगा सकते हैं, प्लांट्स वगैरह लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे, हमने इसका फर्स्ट फ्लोर इसमें दिखाया नहीं है, अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे तो कार पार्किंग के ऊपर आप जितना टेरिस चाहें टेरिस बना सकते हैं। ये हमने यहाँ पर एक डॉटेड लाइन से दिखाया है, आप देख सकते हैं यहाँ तक ये टेरिस हमने बनाया है, क्योंकि जब आप स्टेयर केस से ऊपर आएंगे तो आपकी एंट्री टेरिस पे होगी। आप यहाँ पर जो स्टेयर केस है यहाँ पर डोर लग जाएगा और यहाँ की आपकी एंट्री जो होगी टेरिस पे होगी। सिट आउट के लिए बहुत ही अच्छा आपको व्यू मिलेगा, इन केस समर्स में या विंटर्स में सिट आउट के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस मिलेगा, क्योंकि ऊपर भी कवर्ड रहेगा तो आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है बैठने के लिए यहाँ पर। तो ये आपकी मर्जी है आप इसको कैसे बनाना चाहते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर एक हमने ये दिखाया, आप देख सकते हैं ये 3.5 फुट का पैसेज है इस रूम में आने के लिए। अगर आप स्टेयर केस से ऊपर आते हैं तो एक बस बालकनी जैसा पैसेज बना सकते हैं, अदरवाइज़ जैसे कि मैंने आपको बताया था आप पूरा बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। दोस्तों ये प्लान आपको कैसा लगा, आप ही लोग की रिक्वायरमेंट बना है, आप लोगों की कोई और रिक्वायरमेंट है तो हमें कमेंट करिए, बताइए आपके प्लॉट का साइज़ और इस प्लान के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।